Hello, MCQ series में class 12 physics unit 4 AC and EMI. Question number 1. Two coils placed close to each other. The mutual inductance of pair of coils depends upon mutual inductance. उसका एक formula था. N phi equal to MI. N phi secondary coil का और MI I primary coil का. तो M उसका mutual inductance निकलता था. तो ये किस पे depend करता है? Rate at which current are changing in the coils, relative position and orientation, material of wire, current in two coils. Well, आपको अगर ये topic थोड़ा सा clear है, तो ये आपको पता होगा जो rate of change of current है, उस पे EMF depend करता है. आप एक बार formula refer कर लीजिए. जो mutual inductance है coils का, वो actually coils की coils के number of turns पे depend करता है, उनके अंदर रखे हुए core पे depend करता है, उनकी position पे depend करता है और उनके orientation पे depend करता है. इसलिए answer B. Okay, next. When current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, average voltage 50 volt is produced, self inductance of coil. सीधे सीधे formula से हो जाएगा. देख लीजिए. I, दो दो I दे रखे हैं, तो delta I निकालेंगे. Delta T हमें दे रखा है 0.1 second और voltage दे रखी है, या EMF कह लीजिए इसे, और वो दे रखा है 50. तो इस पे formula apply करेंगे. तो फॉर्मूला इसका होता है E इक्वल टू, वैसे माइनस लगाते हैं पर यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. तो सीधे सीधे लिख लेते हैं M di by dt. अच्छा ओके, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का है, इसलिए M नहीं आएगा, L आएगा. L di by dt. तो E दे रखा है, E दे रखा है 50 और डेल्टा I की जगह आ जाएगा 5 minus 2, डेल्टा T की जगह आ जाएगा 0.1 second. 50 L हो जाएगा 5 minus 2. मैंने D I लिख रखा है, D I लिखिए, डेल्टा I लिखिए, doesn't matter. और dt था 0.1. सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में करके नहीं दिखा रहा हूँ. कैलकुलेट कैसे करें शॉर्टकट में, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देखिएगा जरूर. हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.67 हेनरी. इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी यूनिट, एल की यूनिट होती है हेनरी. इन केस अगर आपको ये यूनिट याद नहीं रही तो फिर क्या करेंगे? तो यूनिट निकालने के लिए सीधे से भी यहाँ पे देखिए एल. तो एल कैसे रिलेट कर रहा है, एल के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा था? एल के लिए फॉर्मूला बन रहा था ई डी टी अपॉन डी आई. तो ई के लिए हो गया वोल्ट, टी के लिए हो गया सेकेंड, और अपॉन में एम्पियर. आप ये लिख लीजिए, एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज हेनरी. Okay, another one. A coil having 50 square loops. Oh, 50 loops. Square loop नहीं, 50 loops. अच्छा, square shape है इसलिए square लिख रखा है. 50 square loops of side 10 centimeter is placed normal to magnetic flux, which increases at the rate 1 tesla per second. Find induced EMF. All right. तो एक कॉइल में इंड्यूस्ड EMF के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. यहाँ पे मैं जानबूझ के माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूँ. हमारे ऑप्शंस जो दे रखे थे वो भी, उनमें भी माइनस था नहीं, तो इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ. अदरवाइज
ऑप्शन में अगर आपका ये नेगेटिव आंसर है तो आप माइनस को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो वेल ये हो गया। एक और है, थोड़ा सिंपल है, फैराडेज लॉ d5 by dt। तो अब इससे रिलेटेड कोई वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन में है नहीं, तो थोड़ा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास n दे रखा है, n है 500, हमारे पास साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर की, तो एरिया निकाल लेंगे 10 सेंटीमीटर को। देखिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ठीक है थोड़ा सा समझा देता हूँ। 10 सेंटीमीटर है यानी कि 10/100, मीटर हो गया यानी कि 0.1 मीटर हो गया, तो एरिया निकालेंगे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट एक थीटा भी दे रखा है, मेंशन नहीं है लेकिन दे रखा है इनडायरेक्टली 0 degree, क्योंकि एरिया वेक्टर और नॉर्मल टू द प्लेन दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। थोड़ा विजुलाइज करके दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर असल में नॉर्मल टू द प्लेन ही है होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो इसके ही अलोंग लगा है, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ। नेक्स्ट जो सबसे खतरनाक चीज़ दे रखी है इसमें, उसकी यूनिट है टेस्ला पर सेकंड, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं आज तक। टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, सेकंड हो गई टाइम की यूनिट, तो b/t। थोड़ा सा साइंटिफिक वे में लिख लेते हैं db/dt, तो पूरा db/dt हमारे पास है 1 tesla/s। अच्छी बात यह है कि वैल्यू बहुत सिंपल दे रखी है इसकी। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यूज़ कैसे करेंगे इसे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। d/dt और फाई की जगह, फाई का फॉर्मूला BA cos थीटा, ये फ्लक्स का ही फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है पर हमारे लिए अब सिंपल ही हो चुकी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन सबको आता ही है। ये हो गया, अब वैल्यू पुट करनी है। n 500, a जो हमने पहले निकाला था 0.1 का स्क्वायर, जो कि निकल के आ जाएगा, अभी 0.1 स्क्वायर ही लिख लेते हैं, आगे यूज हो जाएगा, cos 0, और db/dt की वैल्यू 1, तो cos 0 भी 1 होता है। ये हो गया 500, 0.1 का स्क्वायर 0.01, cos 1 1, सो इट इज अल्टीमेटली 5 volt। इन केस ऑप्शन में अगर नेगेटिव 5 volt होता तो वो ऑप्शन होता, लेकिन ऑप्शन में 5 volt, तो डी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन, अ कॉइल 100 टर्न कैरीज अ करंट 5 mA क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स 10^-5 weber, द इंडक्टेंस इज, वेल इसकी मैं हिंट दे देता हूँ, इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो कॉइल में 100 टर्न है, 5 mA करंट है, यानी कि n है 100, सॉरी थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ना इट्स बेटर, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 5 mA, चेंज कर लेते हैं 10^-3 A, और नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 10^-5 weber। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया रहता है, इसमें भी एक चीज समझ लीजिए, ये सिंगल टर्न के लिए दिया रहता है, अगर सिंगल टर्न के लिए नहीं है तो लिखा रहता है टोटल फ्लक्स, या फिर लिखा रहता है फ्लक्स लिंकेज। एक चीज बता दूं आपको, n5 फ्लक्स लिंकेज कहा जाता है,
तो टोटल फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज तो आप एन फाई समझ लीजिए, या फाई सिंपली फाई है एक टर्न के लिए फ्लक्स। तो बहुत सिंपल है, जो जहाँ से इसका ओरिजिन होता ही है इस पूरे डिस्कशन का, तो इंडक्टेंस का टॉपिक भी एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एन फाई इक्वल टू एल आई वैल्यू पुट कर दीजिए, एल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि सारे ऑप्शन हेनरी में दे रखे हैं, तो यूनिट में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज यूनिट भी याद रखनी ज़रूरी है एमसीक्यूज़ में, ऐसे आप बहुत उलझ सकते हैं। तो यहाँ से एल निकाल लेंगे, ये आप खुद कीजिएगा। ओके नेक्स्ट, लेंजेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये है एनर्जी, ये आपको याद रख लेना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंजेज लॉ क्या होता है एक बार रेफर कर लीजिए, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कैसे एसोसिएटेड है थोड़ा इसे समझ लीजिए। तो मैं रफली बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम ये कहते हैं कि जो हम काम करते हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो हमने काम किया, पहले सिस्टम पे कोई काम हुआ नहीं था, जो हमने काम किया तो उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसने उसका अपोज किया, किए गए वर्क का अपोज किया, तो अल्टीमेटली सॉरी ओके तो उसने उसका अपोज किया, तो इसे हम लेंजेज लॉ कहेंगे, सॉरी। ओ अ सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ओके, जब भी बैटरी वर्ड आएगा सोलेनोइड के साथ, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट फ्लक्स, ये हम थॉट कर सकते हैं स्टेडी करंट है, क्योंकि जब चेंज होता है करंट तब ही फ्लक्स चेंज होता है, और ईएमएफ की हम सोच सकते हैं। पर देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन में। इफ एन आयरन कोर इज इंसर्टेड इनटू सोलेनोइड द करंट विल, ओके जब बैटरी वर्ड यूज हो गया, एक पल के लिए माइंड में आ जाता है कि स्टेडी करंट है, फ्लक्स में तो कोई चेंज होगा नहीं। फर्स्ट लुक में ये लग ऐसा ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। लेट अस सपोज ये एक सोलेनोइड है और इसमें एक स्टेडी करंट बन रखा है, और उस स्टेडी करंट की वजह से यहाँ पे इसका अपना ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हम ये चीज जानते हैं कि जब आयरन कोर या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसी कॉइल के कोर में रखा जाता है, तो जो फेरोमैग्नेटिक, तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो यहाँ जो फ्लक्स होगा, जो फील्ड होगा, पहली चीज फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हुआ है इसका मतलब ये है कि कोर रखे जाने की वजह से वहाँ फील्ड इंक्रीज हुआ है, फील्ड इंक्रीज हुआ है मतलब फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। ऑल राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले अगर फ्लक्स जो भी इसकी वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो हुई होगी। ये इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देना चाहिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया था, इसमें स्टेडी करंट जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक आयरन रॉड इंसर्ट करी, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, उसे इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो इसके अंदर एक अपोजिंग करंट फ्लो होगा। उस अपोजिंग करंट की वजह से जो हमारा करंट जो इसमें बन रखा था वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, आप लोग रिमेन सेम सोच सकते हैं डीसी सोर्स को देख के, लेकिन ये सेकेंडरी, ये एडिशनल आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ओके, अगर इन केस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह अगर
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी रखा होता तो भी उसमें चेंज आ जाना था, उसमें क्या होता, वो डिक्रीज होता, फ्लक्स डिक्रीज होता तो उसे इंक्रीज करने के लिए करंट बढ़ता, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसे ढंग से आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, नोट्स को रेफर कीजिए इसमें। ओके, अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा टफ होता है समझ पाना। वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस एंड ई एम एफ इंड्यूज इन द सर्किट, ये तो सीधा सीधा लॉ है ही, सही है। द इंड्यूस्ड ई एम एफ लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू, ये उसी का पार्ट है, ये भी करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इज गिवन बाई लेंजेस लॉ, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट वाला होगा। लेंजेस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये गलत हो गया, ये तीन सही हो गए थे तो ऑटोमेटिकली डी वाला गलत हो गया। ओके, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑल राइट। एन इरेगुलर शेप्ड कंडक्टिंग लूप इज स्लोली चेंजिंग इन टू सर्कुलर लूप इन द प्लेन ऑफ पेपर, देन करेंट इंड्यूस्ड इन द लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए सी इज इंड्यूस्ड, ये तो नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड, ये भी नहीं होगा। देखिए, जब उसमें चेंज आ रहा है, उसके शेप में चेंज आ रहा है, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसमें चेंज आएगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे नहीं हो सकता। ए सी कोई ऐसा चेंज नहीं हो रहा है उसमें कि उसे सर्कुलर बना रहे हो और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो ऐसे पल्सेटिंग वे में तो कर नहीं रहे हैं, घटा बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखना पड़ेगा कि करंट जो है क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे बना के देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेपर। वेल, इन टू द पेपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक इरेगुलर शेप का वायर पीस रखा है जिसे हमने बाद में सर्कुलर कर दिया। जब हमने उसे सर्कुलर किया तो उसका एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा इसलिए फ्लक्स बढ़ा। अब फ्लक्स बढ़ा किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो क्रॉसेस थे वो बढ़े। अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ कॉज का अपोज किया जाएगा, कॉज क्या है, उसका एरिया बढ़ना, और वो भी नहीं, उसके अंदर एक्स बढ़ना, क्रॉस बढ़ना, जो इनटू द मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका बढ़ना, तो मैं इसको आम भाषा में कहूँगा क्रॉस का बढ़ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना या क्रॉस का बढ़ना, तो क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं, क्रॉस को इंक्रीज नहीं होने देना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ, तो वहां पे डॉट्स बनाना चाहेगा, डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वो बनाना चाहेगा, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहेगा, ये कॉइल बनाना चाहेगी, ये बन रहा है, ये कॉइल बनाना चाहेगी, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने थंब को जिस डायरेक्शन में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए आपने ये पढ़ा होगा, ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ऐसे ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कन्वर्स भी है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, थंब मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिंगर्स करंट को शो करेंगी। ऑल राइट, तो हाँ, तो हम थंब बढ़ा रहे हैं, डॉट बढ़ा रहे हैं, तो
करंट की डायरेक्ट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिंगर्स के अलोंग हो जाएगी, और मेरी फिंगर्स इस समय एंटी क्लॉकवाइज को पॉइंट आउट कर रही हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर डॉट पड़ रहे हैं। डॉट के अलोंग आप अपना थंब रखिए, तो जो फिंगर्स आपकी हो रही हैं वो किधर के लिए कर्ल कर रही हैं, वो इसमें इंड्यूस करेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ, ये है थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर करेंट फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग, ऑल राइट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंजिंग, नथिंग कैन बी सेड, ये तो क्लियरली नहीं है ऑप्शन, चेंजिंग भी नहीं है, उत्तर होता तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से ऑप्शन होगा। तो वेल, ए टू बी करंट है और डिक्रीज हो रही है, ये जो आई है ये डिक्रीज हो रही है, वैसे मैं ज्यादातर ऐसा बना देता हूँ डिक्रीज होने को। ओके, तो पहले इस वायर को ग्रिप करते हैं, इस वायर को ग्रिप करेंगे तो जो ये लूप है इससे हमारी फिंगर ऐसे आउटवर्ड बाहर के लिए आ रही है, मतलब इससे डॉट पास हो रहे हैं, और क्योंकि डिक्रीज हो रही है इसका मतलब जो डॉट हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ कॉज क्या है, डॉट्स का डिक्रीज होना। ऑल राइट, तो डॉट डिक्रीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेंज़'स लॉ, ये डॉट को डिक्रीज नहीं होने देना चाहेगा, तो ये अपने अंदर डॉट्स बनाएगा, डिक्रीज होने से बचाने के लिए वो अपने अंदर एक्स्ट्रा डॉट्स बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये खुद बना रहा है, एक तो इससे बन रहा है करंट से बन रहा है, और क्योंकि क्योंकि आई डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये वाला आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो ये इसे डिक्रीज नहीं होने देने के लिए, इसे बनाने के लिए ये देखिए ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, मैं फिर से दोहराता हूँ इसे। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आउटवर्ड, इस कॉइल से बाहर के लिए, ये वो फील्ड बन गया। और ये डिक्रीज हो रहा है, इसे डिक्रीज होने से बचाने के लिए कॉइल ने अपने अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जो बना दिया, जो कि मेरा थंब है। अब मेरा थंब क्योंकि आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है तो इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट करेगी, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट वॉज पुश्ड स्लोली इनटू अ शॉर्ट सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ शॉर्ट गैल्वेनोमीटर। सोलेनॉइड समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर समझ लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, द मैग्नेट वॉज हेल्ड स्टेशनरी फॉर अ फ्यू सेकेंड विद द नॉर्थ पोल इन द मिडिल। ओके, उसे स्लोली पुश करते हुए नॉर्थ पोल को मिडिल तक ले गए, एंड देन विदड्रॉन रैपिडली। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वॉज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेट वॉज। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, तीन पार्ट में ये क्वेश्चन हो रहा है, वैसे तो मुझे इसका डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहिए था, पर उस सब की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपली है, ओरली हो जाएगा। याद रखिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने का एक कॉज है मैग्नेट को मूव कराना, जब इंसर्ट किया गया तब स्लोली हुआ, जब विड्रॉ किया गया तो उस समय रैपिडली हुआ, तो जाहिर सी बात है जब विड्रॉ किया जाएगा तो उस समय मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, मूविंग टुवर्ड्स सोलेनॉइड, मूविंग इन टू द सोलेनॉइड, एट रेस्ट, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। तो मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड,
इसमें ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता एट रेस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड, क्योंकि फ्लक्स को चेंज होने के लिए मोशन जरूरी है। मूविंग इनटू द सोलेनॉइड, जब उसके अंदर रहेगा तब भी फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है, तो इसका भी एडिशनली ध्यान रखिए। बट इस यहाँ पे यह है मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड, इसमें फ्लक्स सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, तो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन उससे ऑप्शंस दे के कॉम्प्लिकेटेड बना गया है। फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी। वेल, वैसे ऐसा क्वेश्चन आया तो आप बोर्ड पे केस कर सकते हैं कि फैराडेज लॉज एक्चुअली, उसके तो बहुत सारे लॉ हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, तो ये अपने आप में एम्बिगुअस क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो कह देते हैं फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ तब तब अब हम कुछ नहीं बोल सकते। उस केस में ये सिर्फ एनर्जी का कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ऑलराइट, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करेंट एंड ईएमएफ इज TE/2। वेल, टाइपिंग एरर है, π/2, π/2 कहेंगे इसे, मतलब 90 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्किट, तो याद रखिए फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है प्योर कैपेसिटेंस में या प्योर इंडक्टेंस में। तो यहाँ क्या कह रखा है, सी अलोन ये तो होगा ही, एल अलोन ये भी होगा, इन दोनों में 90 डिग्री होता है। एल एंड सी, अच्छा एक बार के लिए ये देख लेते हैं, आर एंड एल, आर के साथ कुछ नहीं होता, एल के साथ, तो देखिए आर के साथ सी होगा तो भी 90 डिग्री होगा, और आर के साथ एल है तो भी 90 डिग्री होगा। तो एल और सी में देखिए, एल 90 डिग्री, एल में भी जो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री होता है, सी में भी 90 डिग्री होता है। एल में बस वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहता है और सी में करंट 90 डिग्री आगे रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, बाकी तीनों में 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, इन एन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कॉम्पोनेंट LCR इज 50, यानी कि इसके अक्रॉस भी 50, 50, 50। द वोल्टेज अक्रॉस LCR, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, जो मिला के LC है केवल उसके अक्रॉस कितना होगा। याद कीजिए जब इसका डेरिवेशन होता है, LCR का डेरिवेशन होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन की निकाली जाती है वो VL-VC होता है, तो जो नेट वोल्टेज होगी दोनों की सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी, ये भी 50 है ये भी 50 है, सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा। बाकी इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये हो गया VZ, मतलब ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों कॉम्बिनेशंस के अक्रॉस, होगा VL-VC होल स्क्वायर प्लस VR2, और इसी को सॉल्व करके आगे आता है, कैसे आता है आप उसके लिए अपने नोट्स रेफर करें, और इस पे हमने वीडियो भी बनाया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एल और सी के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज होता है वो VL-VC होता है। ओके, 12 ओम एंड इम्पीडेंस, सो यस, एन एसी सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, आर 12 ओम है, इम्पीडेंस जेड से शो करते हैं 15 ओम, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखें, तो पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर पहली चीज होता है cos φ, यहाँ फाई नहीं दे रखा है, इसे ये फर्दर होता है आर अपॉन जेड के। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है,
आर दे रखा है 12 और जेड दे रखा है 15। दैट्स इट। अच्छा यहाँ डेसिमल्स में दे रखा है, हम कन्वर्ट ये देख लीजिए 0.8, 4/5 0.8 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे एक कन्फ्यूजन, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे हमने 12/5 क्योंकि आर बाई जेड होता है, लेकिन बाई चांस डाउट आ जाए जेड बाई आर जैसा आने लग जाए माइंड में, तो तब आंसर आ रहा है 1.25, 5/4। लेकिन याद रखना क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस के टर्म्स में होता है, और जो कॉस होता है साइन कॉस की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन लेवल भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस चेंज्ड फ्रॉम सी टू टू सी फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, एल और सी का मल्टीप्लिकेशन, एल और सी का मल्टीप्लिकेशन अगर सी टू सी हो गया है तो एल को L/2 होना पड़ेगा, तो L/2 आंसर हो जाएगा। शो करके दिखा दे। तो पहले केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। अब दूसरे केस में भी वो ओमेगा आर ही रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं हम, एल चेंज हो गया, एल को एल डैश कर देते हैं, सी हमारा 2C हो गया है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√LC इक्वल टू 1/√L-2C। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा LC इक्वल टू L-2C। सॉरी हाँ अब ठीक है, और ये कैंसिल हुआ तो L-L/2। ये बार बार पूछा जाता है, कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, और जनरेटर भी हो सकता है। एनी ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू रिड्यूस एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करेंट, बस नो अदर थॉट। पर वैसे और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, मेक इट लाइट वेट नहीं, मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज नहीं, तो रिड्यूस एडी करेंट, लेमिनेटेड करने से एडी करेंट लॉस खत्म हो जाता है, तो यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ओके, इन एन एसी जनरेटर द कॉइल विद एंड टर्न ऑन द सेम एरिया ए टोटल रेजिस्टेंस आर, रोटेट विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, उसी सीधे वो जो ई नॉट आता है एक्सप्रेशन में इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वो जो ई नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन बी ए है, कहीं ओमेगा एन बी ए है, तो हो गया। ये बहुत सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर खुद दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच क्वान्टिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो पहले स्टेप डाउन में होता क्या है, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाती है तो करंट बढ़ जाती है, करंट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये चीज़ कहा ही जाए कि कौन सी चीज़ सेम रहती है, तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर सेम रहती है और फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली सेम रहती है। पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन 220 वोल्टेज मीन्स इज 220√2 आंसर। अच्छा क्यों है थोड़ा वो ही बता देता हूँ, जो गिवन वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, जो भी गिवन वोल्टेज दी जाएगी आपको वो RMS होगी एसी के केस में, तो हमें फॉर्मूला पता है VRMS इक्वल टू V0/√2 और V0 इक्वल टू VRMS इंटू √2। सिंपल सा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इसे याद कैसे रखता था, मैं कहता था RMS मतलब जैसे एवरेज टाइप कुछ निकल रहा होगा, तो इसलिए √2 अपने दिमाग में रखिए, VRMS V0 और √2 तीन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए। RMS निकालना है तो कुछ कम वैल्यू होगी तो V0 के अपॉन में आ गया, V0 तो कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी तो RMS के इनटू में आ गया। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर
ये भी मैं चाहूंगा कि आप खुद करें, इसके फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। ओके, अ ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट अ 100 वॉट एंड 110 वोल्ट, याद रखिए ये उसे लाइट करने के लिए, उसे ग्लो करने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये आउटपुट की दे रखी होंगी, सेकेंडरी की दे रखी होंगी। फ्रॉम अ 220 वोल्ट मीन्स इफ द मेन करेंट इज 0.5 एम्पियर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो देखिए आउटपुट पावर दे रखी है, हमें इनपुट पावर फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो फ्रॉम अ 220 वोल्ट मेंस, इफ मेंस करंट इज, ये इनपुट दे रखा है तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, आउटपुट पावर दे रखी है हमें 100 वॉट और इनपुट के लिए हमें वोल्टेज और करंट दे रखी है। आउटपुट पावर दे रखी है हमें 100 वॉट और इनपुट के लिए हमें वोल्टेज दे रखी है, मैं पी आई लिख देता हूँ इनपुट पावर के लिए, वो हो जाएगी हमारी वोल्टेज इनपुट इनटू करंट इनपुट। तो वोल्टेज इनपुट हमारी थी 220 वोल्ट इनटू करंट इनपुट हमारी थी 0.5, तो ये आ जाएगा 110 वॉट। और अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये इसका सिंबल है ईटा कहते हैं, खैर वो कुछ भी सिंबल हो आपको उससे क्या, सीधी बात एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी नहीं पर सिंबल भी याद रखने जरूरी है, कभी क्वेश्चन में आ गया तो दे रखा होगा तो आप पहचान ना पा रहे हैं उसे, तो इसलिए ये हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ये परसेंट में निकलता है, फ्रैक्शन में भी निकल सकता है, पर आंसर हमें उसमें दे रखें परसेंटेज में दे रखें। तो आउटपुट पावर है 100, इनपुट पावर है 110 इंटू 100। सॉरी एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम फॉर बिकॉज ऑफ सम फोकस, थोड़ा सा कम कर दूँ अगर, एनीवे हाँ दिस इज मच बेटर। ओके, तो ये 0 से 0 कटा, फिर भी क्या हो गया 1000 अपॉन 11, डिवाइड करेंगे, खैर हमें इतना करने की ज़रूरत ही क्या है, ये लगभग लगभग 90% तक आ रहा है और यही तो आंसर है। तो ये हो गया। अच्छा, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कैपेसिटर कैन कंडक्ट डीसी, कैन कंडक्ट अ डीसी सर्किट बट कैन नॉट, बट नॉट एन इंडक्टर। तो देखिए वैसे कैपेसिटर अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, जब वो चार्ज हो रहा होता है उस समय नहीं, उस जब चार्ज हो चुका होता है उस समय नहीं, पर जब चार्ज हो रहा होता है तो उस समय वो डीसी भी अपने से सप्लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट तो सही है। बट नॉट एन इंडक्टर, पर इंडक्टर वो कह रहे हैं इंडक्टर कंडक्ट नहीं करता, नहीं इंडक्टर कंडक्ट करता है, डीसी को कंडक्ट कर लेता है, तो ये रॉन्ग हो गया। इन अ डीसी सर्किट इंडक्टर कैन कंडक्ट, तो इंडक्टर कैन क्या, इंडक्टर कंडक्ट करता ही है, इंडक्टर कंडक्ट होना चाहिए, बट नॉट अ कैपेसिटर। तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर वर्क नहीं करता, तो वेल ये सही भी है और गलत भी है, तो क्योंकि इंडक्टर तो कंडक्ट करता है ये तो श्योर है, कैपेसिटर जिस समय सर्किट को स्विच ऑन किया जाता है या जिस समय कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उस समय उसमें करंट फ्लो होती है, तो
तो ये एक पल के लिए सही ऑप्शन हो सकता है, पर हम आगे बढ़ के और ऑप्शन देख लेते हैं। इन डीसी सर्किट बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन नॉट कंडक्ट, टोटली रॉन्ग। द इंडक्टर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, टोटली रॉन्ग। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बी है, हालांकि बी के साथ भी कंडीशन है कैपेसिटर कंडक्ट करेगा जिस समय उसे जस्ट स्विच ऑन किया जाएगा। ऑल राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर विच, ओके 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 ओके, सी दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतनी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा लेंगे, सीधे सीधे निकल जाएगा, करके दिखा देता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू 1/√L(·). माइक्रो में दे रखा है, चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10^-6। ये कन्वर्जेंस बिल्कुल ध्यान रखिए, इनमें कंफ्यूजन हो गया, इनमें गड़बड़ हो गया, इनमें कन्वर्ट नहीं किया सारे मार्क्स चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 10^6 इक्वल टू 1/(L·10·10^-6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10·10^6·10^-6 इक्वल टू 1/(L). और फाइनली इट इज 10 इक्वल टू 1/(L), या हम कह सकते हैं L इक्वल टू 1/10 विच इज 0.1। और इंडक्टेंस है उसकी यूनिट हमें पता है हेनरी। नेक्स्ट, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड विद सीरीज विद अ बल्ब B एंड एन AC सोर्स, जनरेटर समझ लीजिए। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस व्हेन, ओके, बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज कब होगी, जब करंट कम होगा। करंट कम कब होगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ऐसे नहीं बढ़ेगा यहाँ, तो रेजिस्टेंस की बात ना करके हम इम्पीडेंस की बात करेंगे। इम्पीडेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस तो फिक्स है, जितना है उतना ही रहेगा। तो वहाँ पे कॉइल लगी है, कॉइल का अपना रिएक्टेंस होता है। अब क्या क्या बातें हो रही हैं ये, ठीक, मैं इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ आपको। जब हम AC सर्किट्स की बात करते हैं और उसमें हम इंडक्टेंस लगाते हैं, तो इंडक्टेंस की वजह से वहां पे एक तरह का रेजिस्टेंस आता है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। दूसरा, अगर हमने कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और अगर वो रेजिस्टेंस है तो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां देखिए कि अगर हमने रिएक्टेंस बढ़ाया तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब देखिए, अगर LR सर्किट है, LR सर्किट है, तो उसका जो मिला के जो इम्पीडेंस होगा, रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो होगा XL²+R² के बराबर। तो R तो हम चेंज कर नहीं सकते, इसका मतलब XL चेंज करेंगे, इसकी वजह से हम ब्राइटनेस घटा या बढ़ा सकते हैं। ऑल राइट, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L कनेक्टेड इन, ओके, ब्राइटनेस डिक्रीज कब होगी, डिक्रीज कब होगी, जब करंट बढ़ेगा, जब करंट घटेगा, और करंट कब घटेगा, जब इम्पीडेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे DC सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ने पे करंट घटता था, तो वैसे ही AC सर्किट में रेजिस्टेंस ना बोल के हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस बढ़ने से करंट घटेगा, और इम्पीडेंस को बढ़ाने के लिए हमारे पास यहाँ पे इंडक्टेंस है। तो अगर हम इंडक्टेंस को बढ़ा दें तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगा।
देखते हैं अब जो इंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, कोर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि केवल इंडक्टेंस नहीं है, जो रिएक्टेंस है वो एक्स एल है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी घटा दें, फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो एक्स एल घटेगा, एक्स एल घटेगा तो इम्पीडेंस घटेगा यानी कि करंट बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न रिड्यूस्ड, एल घटेगा, एल घटेगा तो उसकी वजह से रिएक्टेंस घटेगा, रिएक्टेंस घटेगा इम्पीडेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ये भी गलत हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सी इक्वल टू एक्स एल इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम जितना इंडक्टर का रिएक्टेंस है उतने रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस ऐड कर दें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐड कर दें, उससे भी नहीं होगा क्योंकि जो रिएक्टेंस होते हैं कैपेसिटर के और इंडक्टर के वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके सब्ट्रैक्ट होने से भी इम्पीडेंस घटेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, तो हाँ इम्पीडेंस घटेगा, तो ये भी सही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन सही है, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। आयरन रॉड अगर कॉइल में इंसर्ट कर दिया जाएगा तो एल बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है, रिएक्टेंस के बारे में, इम्पीडेंस के बारे में, और दूसरा यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी बताया तो रिएक्टेंस क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और रिएक्टेंस पे फिर इम्पीडेंस डिपेंड करता है, और इसमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल इम्पीडेंस, यहाँ पे बात तो हो रही थी इंडक्टर की और वो कैपेसिटर भी बीच में लेके आ गए, तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच में किस तरीके से रिलेशन, फेज रिलेशन होता है। आयरन रॉड इंसर्टेड, आपको इंडक्टेंस का प्रॉपर फॉर्मूला याद होना चाहिए तब आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक ये कवर करता है, तो मैं चाहूँगा कि थ्योरेटिकली आप ये टॉपिक्स देख लें, जैसे खास तौर पे एक्सेल एक्सी कैसे रिलेट हो रहे हैं आपस में, और यहाँ पे ये मत समझिए कि एक्सी का फॉर्मूला एक्सेल होता है, नहीं, एक्सेल मतलब कुछ वैल्यू आ गई, 10, 100, 150 कुछ वैल्यू आ गई और हमने एक्सी को भी उसी पे ट्यून कर दिया। पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंडक्टेंस चेंज करेंगे या कैपेसिटेंस चेंज करेंगे तो ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी, अल्टीमेटली उनका मतलब होता है कि इम्पीडेंस कैसे चेंज होगा। ऑलराइट, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज एक्स। ऑलराइट, इफ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस इज बी डबल्ड देन न्यू रिएक्टेंस विल बी, याद रखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इक्वल टू 1/ωc होता है, दोनों को बढ़ा देंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो 1/4 हो जाएगा। सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन है। ऑलराइट, अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो सीधे सीधे लिखने के लिए ही आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सीधे सीधा है ये क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम में ये लिखने के लिए आएगा कि ट्रांसफार्मर ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, तो वहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल हो गया, मतलब कि एक कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एवरेज पावर जनरेटेड इन एन इंडक्टर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, हाफ एल आई स्क्वायर, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि कैपेसिटर के लिए ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। द पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, आप लोग गेस कीजिए पहले। वेल, अब मैं बता नहीं रहा हूँ आंसर, पर एक हिंट दे रहा हूँ, पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, साइन या कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है उस हिसाब से आंसर दे दीजिए।
ओके, एक और बेकार सा क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड, तो आंसर है एडमिटेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, इम्पीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय, ई के टर्म में नहीं होती, साइन के कॉस के टर्म में होती है, तो टेन के टर्म में नहीं होती। अच्छा सॉरी, ये कॉट है, तो केवल ये बी ऑप्शन हो गया। ऑलराइट, आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन फिगर, ओके, इसका आरएमएस कैसे निकालेंगे? रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है सारे टर्म्स का स्क्वायर करो, फिर उनका मीन निकालो, फिर उनका रूट निकालो। एक कंप्लीट साइकिल में केवल यहाँ दो ही वैल्यू हैं, वी नॉट और जीरो। तो पहले दो ही वैल्यू हैं, उनका आरएमएस क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इक्वल टू, पहले स्क्वायर करेंगे वी नॉट स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर, फिर मीन करेंगे अपॉन टू और फिर रूट करेंगे। तो ये तो सिंपली हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू। तो ये हो गया वी नॉट बाई रूट टू। पर यहाँ पे मैं एक कुछ और बता देता हूँ कि लाइक ऐसी अगर और ज़्यादा पीक्स दे रखी होती हैं, तो उन सारी पीक्स को आप ऐसे ही काउंट करते, उनका स्क्वायर करते और डिवाइडेड बाय जितनी वो होती हैं उतना रख देते। डिफिकल्ट टू रीड, खैर आप देख रहे होंगे बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो हमें इसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज बेस्ट रिप्रेजेंट। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, और ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल। पर इसी चीज़ को मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई कीजिए, प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए भी। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में इंडक्टेंस और वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ये गलत है, इसमें है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पर आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ भी सेम फेज में नहीं है। सेम फेज का मतलब ये है, देखिए साथ साथ राइज कर रहे हैं, साथ साथ फॉल हो रहे हैं, पीक्स अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होंगी, लेकिन साथ साथ राइज हो रहे हैं, साथ साथ फॉल हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, ये तो आउट ऑफ फेज जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो इसलिए प्योर रेजिस्टिव के लिए ये वाला हो गया। यहाँ करंट पीछे चल रहा है और इसे हम 90 डिग्री फेज कहते हैं, क्योंकि ये जीरो पे है तो ये नेगेटिव पीक पे है, तो ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस है, तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो गेस कीजिए कि कौन सा कंपोनेंट होता है जिसमें 90 डिग्री, तो हमें पता है कैपेसिटेंस होगा या इंडक्टेंस होगा, लेकिन करंट 90 डिग्री पीछे है, तो आप गेस कीजिए कि क्या होगा, ये इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। और यहाँ पे करंट 90 डिग्री आ गए, तो क्या होगा? और ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फेज हो गया कि ये किस सर्किट में होता है, थोड़ा इसे देखना पड़ेगा, ये वैसे हमारे कॉमनली यूज़ में नहीं है। तो अभी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बस वही चीज़ फिर ये आ गई, तो क्या होता है इंडक्टर के केस में, वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। वेल, मैं ये आंसर दे दूंगा तो ऊपर वाला आंसर भी आप दे दोगे, इस वजह से इसका आंसर मैं हाइड करके रख रहा हूँ। जो भी है, पाई बाई टू, यानी कि ये तीसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं है, इन दोनों में से एक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होना चाहिए था, ओमेगा, अच्छा न्यू, न्यू सिंबल्स की गड़बड़ है, न्यू है वो, न्यू ओमेगा, वॉट एवर, ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। तो देखिए एक्सएल और एक्सी का रिलेशन, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा
नहीं सॉरी, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है ये जो मैंने कहा, मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसका मतलब, और ओमेगा एल मतलब 2 पाई न्यू एल, तो यानी कि जो एक्स एल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है ऐसा। इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है, टच नहीं करता है। तो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट वेरिएशन ऑफ एक्सी विद फ्रीक्वेंसी न्यू? ओके, तो एक्स इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा 2 पाई न्यू, तो यानी कि एक्सी और न्यू इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन? ओके, पावर का जहाँ भी रिलेशन होगा वो रेजिस्टेंस से होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सीधा सीधा आंसर। इसका दूसरा रीजन भी है कि जो पावर फैक्टर आता है उसमें 1 आता है, बाकी सब में जो पावर फैक्टर आते हैं वो 1 से कम आते हैं। कॉस फाई की वैल्यू है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव में cos 90 0 हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव में cos 0 1 हो जाएगा। तो बाकी के सर्किट कॉम्बिनेशंस में फिर उसकी वैल्यू उनके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। तो प्योर रेजिस्टिव में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। वेल, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को आना ही चाहिए, देख लीजिए, गेस कर लीजिए। इसका आंसर मैं तो नहीं बताने वाला। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होता है, इस वजह से करंट मैक्सिमम हो जाता है। वाओ, नेक्स्ट। तो ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ऑलराइट, तो हाँ, करंट एम्पलीट्यूड इन एलसीआर सर्किट वैसे आइडियली इन्फिनिटी होता है, लेकिन खैर हम इस पे जाएंगे नहीं। ये तब होता है जब आर एब्सेंट हो, तो वैसे इस समय आइडियल आंसर इन्फिनिटी है, पर वैसे मैक्सिमम कहा जाएगा, मैक्सिमम। इससे ऊपर वाले में हमने मिनिमम कहा था, इस बार मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम। फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द क्वांटिटी विच इज कॉन्स्टेंट बोथ द कॉइल, करंट तो नहीं हो सकता, वोल्टेज नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, पावर आइडियल के, हाँ तो आइडियल ही कह रखा है इसलिए पावर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एल सी आर सर्किट फॉर कम्युनिकेशन? देखिए, ये बहुत क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है, एल और सी की वैल्यूज से हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो ये सिलेक्शन होगा आर के टर्म्स में। मिनिमम रेजिस्टेंस दिस द आंसर। वेल, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। इंडक्टर आर, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस ये हो गया, रेजिस्टर 2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज दे रखा है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ओके, वेल, पावर डिसिपेटेड, पावर का फॉर्मूला होता है V नॉट I नॉट बाय 2 cos φ, और इससे आगे, हाँ इसे या हम ऐसे लिख सकते हैं VRMS IRMS cos φ, और इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ वोल्टेज दे रखी है हमें, V इक्वल टू IZ होता है, I इक्वल टू V/Z होगा, तो ये हो जाएगा V² / Z, और cos φ होता है R/Z।
Z. वी स्क्वायर सिक्स दे रखा है, हो जाएगा सिक्स स्क्वायर, सिक्स इंटू सिक्स कर लेते हैं। आर 2 ओम दे रखा है, अपॉन जेड, जेड निकाल लेंगे, जेड इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, एक्सएल है 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 5। अजीब सा आंसर आ रहा है, चलिए एनीवे। तो रूट 5, ओके, नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जेड स्क्वायर हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 6 6 36, 36 2 72 बाई 5। क्विकली डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताते हैं, अपॉन में 5 वगैरह होने का, इसका डबल कर दो 10, इसका डबल कर दो 144, तो आंसर इज 14.4 वाट। तो ये थी एसी और ईएमआई पे एमसीक्यू सीरीज। आगे और भी हम बाकी चैप्टर्स, बाकी यूनिट्स की सीरीज बनाते रहेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक फ्लिक ऑफ आई में जिसके आंसर आप लिख सकते हैं। रफ में सॉल्व कीजिए, शॉर्टकट्स यूज़ कीजिए, फाइनल जो आंसर है वो आपको वहाँ पर लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। बाय बाय।